भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के लिए सीटों पर मंथन शुरू कर दिया है, जिसको लेकर दिल्ली में यूपी के एनडीए सहयोगी दल की बैठक की जाएगी। जल्द ही दिल्ली में बैठक कर अपना दल सुपा सभा और निषाद दल के लिए सीटें तय कर दी जाएगी। इस बैठक में सहयोगी दलों के कांटे की सीटों का नाम भी तय किया जाएगा, साथ ही इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में की जाएगी और सहयोगी दल भी सीटों के नाम गोपनीय रखेंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन की रणनीति को देखते हुए भाजपा का पिछड़े और दलित वोट बैंकों को साधने पर खास फोकस होगा। लोकतंत्र में सभी को आजादी है, कहीं पर भी कोई रैली कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पिछड़ों की राजनीति करने के नाम पर सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करना, ये परिभाषा बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी की। कांग्रेस पार्टी इस समय पूरे देश में जाति जनगणना के मुद्दे पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, सरकार से सवाल। जनता पार्टी जनता को गुमराह करने की राजनीति करती है। हमने देखा किस तरीके से 5 राज्यों में जब चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों, अपने सांसदों को विधायक के रूप में उतार दिया। उसके बाद जीतने के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। मतलब एक तो धन व्यय होगा सरकार का और ऊपर से आपने जनता का विश्वास कहीं ना कहीं ठगने का काम किया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जिस तरीके से भारत ने विकास किया है, उतना विकास पिछले 70 सालों की सरकारों में नहीं हुआ, और यही कारण है कि आज पूरे देश की जनता फिर से एक बार ये मांग कर रही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव के बाद ही एनडीए जो ओबीसी को फोकस करने के लिए जो रणनीति बना रही है। अब देखिए, ओबीसी एससी एसटी जो है भली भांति समझ गए हैं, ये जो तीनों राज्यों का जो परिणाम आया है वह आश्चर्यजनक है, अचंभित करने वाला है। और निश्चित रूप से हम लोगों को लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी 2009 में जो ईवीएम स्कैम पर जो है कि आपत्ति जताए थे, और ईवीएम बनाने वाली मशीन ने